भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विधिज्ञ संघ के अधिवक्ताओं का 10 पदों पर चुनाव प्रारंभ हो गया है, जहां 2791 अधिवक्ताओं ने अपना मत का प्रयोग करेंगे, जबकि 114 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला 19 मई को देखने को मिलेगा। वहीं एक बड़ी अजीबोगरीब माहौल देखने को मिला, जहां एक तरफ संघ का मतदान हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे। एक ओर जिला विधिज्ञ संघ का चुनाव हो रहा था तो दूसरी तरफ जिला विधिज्ञ संघ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा चुनाव में धांधली एवं वित्तीय अनियमितता को लेकर अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू और कपिल देव कुमार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जो आमरण अनशन का तीसरा दिन है। जबकि आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता कपिल देव कुमार का हालात गंभीर हो गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं के सवालों पर चुनाव अधिकारी ने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू अधिवक्ता नहीं है। अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू का लाइसेंस रद्द हो गया है, जिसे आमरण अनशन पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। कुल 10 पद पे चुनाव है, उसमें से टोटल प्रत्याशी 114 है, बूथ है 8, मतदाता 2791 और एक लॉयर ऐसे भी हैं साहब उसमें, इसका कि बार कौन से लाइसेंस ही रद्द कर दिया और उसी को मेन मुद्दा घुरा फिरा करके 12 तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। वो है अजीत कुमार उर्फ सोनू, या अजीत कुमार सोनू लिखते हैं, वो लॉयर हैं ही नहीं। अभी बार काउंसिल का निर्देश आया है कि ना वो वोटिंग राइट रखते हैं और ना ही वो कैंडिडेट बनने का हक रखते हैं। धरना प्रदर्शन पे है, कुछ चुनाव में भी अनियमितता है, जो मॉडल रूल के अनुसार एक तो चुनाव नहीं हो रहा है, जो इनके समर्थक में है वो वोटिंग कर रहे हैं। हम लोग गांधीवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और उसी के अनुसार हम लोग सत्याग्रह आंदोलन आमरण अनशन पर हैं। हमारी मांग है, इन लोगों ने जो पहले से तय किया था टीक वाला, जो आज तक सील मोहर पे बात हो रही थी, उसी सील मोहर से हम लोगों ने कहा था चुनाव करवाइए। अनियमितता तो बहुत सारे हैं, इसके पूर्व भी संजय कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाया था वो सारा FIR सब है, सारा लिखित है। हमारी एक मांग नहीं, सारी मांग आप देख सकते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी इतना बता दे कि वो किस मॉडल रूल के तहत मतदान के लिए स्वस्तिक चिन्ह को